नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी भोजन करने के बाद अपनी थाली में हाथ धोते हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देखें। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, पैसों की दिक्कत आपको झेलनी पड़ रही है, तो रसोई घर में रात के समय चुपचाप ये काम कर दी, आप हो जाएंगे मालामाल। माँ लक्ष्मी होती है ऐसे घर में आकर्षित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही ऐसे कुछ कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें अनुचित माना गया है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव हुए हैं, इसी कारण लोग अपनी संस्कृति को भूलकर कई प्रकार की गलत आदतों को अपना रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर हो रहा है। पहले के जमाने में लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था, जिस कारण से वे स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है, कमजोरी तो आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर एक, भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर ना खाएं, इससे अन्न का अपमान होता है और राहु अप्रसन्न होते हैं। बिस्तर रुई से बना हुआ होता है, रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है, बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में रुक जाती है, जमीन तक पहुँच नहीं पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र और भी खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। दोस्तों, नंबर दो, भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ पैर और मुंह धो लेने चाहिए, इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना गया है। जल पंच तत्व में से एक है, जमीन पर बैठने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, नंबर तीन, शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना जाता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता रहती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। दोस्तों, नंबर चार, ध्यान रहे टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में कभी भोजन न करें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हो तो उसे तुरंत बदल दे। भोजन करने के लिए सबसे उत्तम पीतल के बर्तनों को माना गया है। साथ ही भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए तांबा पीतल अथवा चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें। दोस्तों, नंबर पाँच, भोजन के बाद कुछ लोग थाली में अपने हाथ धोते हैं, इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। साथ ही इससे चंद्र और शुक्र भी अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में बरकत चली जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद अपनी थाली में भूल से भी हाथ ना धोएं। थाली में जूठन छोड़ना अन्न का अपमान होता है, इससे माँ अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। दोस्तों, नंबर छह, रसोई घर में पीने का पानी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, और ये भी ध्यान देना चाहिए कि पानी का घड़ा हमेशा भरा हो। खाली घड़ा रखने से घर में धन की कमी होती है और भरा हुआ घड़ा सुख समृद्धि की निशानी है। शाम के समय भगवान के पास दिया जलाने के बाद हमें पानी के घड़े के पास भी दिया अवश्य जलाना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खाना बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल कर रखें, प्रतिदिन उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में यदि कोई भी वास्तु दोष है तो वह दूर हो जाता है और माँ अन्नपूर्णा भी आपसे प्रसन्न हो जाती है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई घर में कभी भी चप्पल जूते पहनकर ना जाएं, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और वे आपसे नाराज होती हैं। दोस्तों, नंबर सात, सुबह सुबह रसोई घर में नहाकर ही प्रवेश करें। यदि संभव नहीं है तो अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए।
गैस जलाने से पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें, चूल्हे को नमस्कार करके ही भोजन बनाने की शुरुआत करें। दोस्तों नंबर 8, आपके रसोई घर में नमक, हल्दी और चावल, ये तीनों वस्तुएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इन तीनों वस्तुओं का शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। इन तीन वस्तुओं में से एक भी वस्तु यदि हमारे रसोई घर में समाप्त हो जाती है तो इसे अशुभ माना गया है। दोस्तों नंबर 9, भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना अवश्य है। पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ये सर्वोत्तम दिशा मानी गई है, इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करना चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों नंबर 10, रसोई घर। वास्तु के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। रसोई घर को स्नान ग्रह या शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं बनवाना चाहिए। रसोई घर को शौचालय के ठीक सामने कभी न बनवाएं। यहाँ तक कि स्नान ग्रह या शौचालय की दीवार एवं भोजन कक्ष की दीवार भी कभी भी एक दूसरे से ना मिलती हो। ये भी बात ध्यान में रखें कि रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने ना हो। इससे शौचालय की सारी नकारात्मक ऊर्जा भोजन कक्ष में प्रवेश करती है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। रसोई घर में सिंक का नल या पाइप खराब हो और उसमें से पानी टपकता हो या बेवजह पानी बर्बाद होता रहता है तो इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, इससे धन का खर्चा बढ़ता है। आइए अब जानते हैं सुबह उठने के बाद हमें घर की कौन सी चीजों का दर्शन नहीं करना चाहिए। पहली बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले यदि हमें कोई जीव जंतु जैसे छिपकली, कॉकरोच इत्यादि मरा हुआ दिखाई देता है तो बहुत ही अशुभ होता है, लेकिन आप तुरंत उसे उठाकर बाहर फेंक दें। इस जगह को अच्छी तरह से साफ करके ईश्वर का स्मरण करके और किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। दूसरी बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही यदि हमारा ध्यान सबसे पहले चाकू, छुरी, कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु पर पड़ता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये सभी वस्तुएं काटने और बांटने का काम करती है, इसलिए ऐसे में आप पूरे दिन सावधान रहें और किसी भी लड़ाई झगड़े या वाद विवाद में पड़कर रिश्तों में दरार ना आने दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।